और अब बात बागपत नगर पालिका परिषद की, क्या कहता है यहाँ वोटर्स का मूड और क्या है क्षेत्र की समस्याएं, किसको चेयरमैन बनाना चाहती है जनता, दिखाते हैं आपको मूड ऑफ मोहल्ला में। नमस्कार, मैं हूँ सलमान हैदर और आप देख रहे हैं समाचार प्लस का स्पेशल प्रोग्राम मूड ऑफ मोहल्ला। इस बार हम मौजूद हैं बागपत के नगर पालिका क्षेत्र में, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, जानेंगे इनका मूड, अब की बार वो किसको वोट करेंगे, यहाँ की समस्या क्या है और किन मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे, पुराने चेयरमैन को रिपीट करेंगे या इनको नया चेयरमैन चाहिए। बात करते हैं हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे। जी आप बताइए कि यहाँ की समस्या क्या है। समस्या तो यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है, जो चेयरमैन साहब का, हमारे जो पूर्व चेयरमैन है राजुद्दीन, उनका जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। उनसे पहले जो चेयरमैन आए हैं उनसे, उनके मुकाबले पे 90% जो है राजुद्दीन चेयरमैन ने काम कराया है, और इन्होंने पहले भी जो था इनके ही कार्यकाल में सारे काम अच्छे होते हैं, और हम चाहते हैं कि राजुद्दीन साहब ही हमारे चेयरमैन बने। जी आप बताइए कि किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। शहर में जो है समस्याएं तो ज्यादा इतनी नहीं है, लेकिन चेयरमैन साहब का 2 बार कार्यकाल रहा और सबसे ज्यादा विकास जो चेयरमैन साहब के कार्यकाल में हुआ वो किसी के भी कार्यकाल में नहीं हुआ। इस बार फिर हम दोबारा फिर इसी चेयरमैन को रिपीट करेंगे। अच्छा आप बताइए कि यहाँ पे समस्या है, मतलब अब नया चेयरमैन आपको चाहिए या आप पुराने को रिपीट करेंगे और क्यों करेंगे। देखिए, जो चेयरमैन की जो प्राथमिकताएं होती है वो नाली, खड़ंजे, बिजली को जनपद में उपलब्ध कराना, और यही अपने कार्यकाल में राजुद्दीन चेयरमैन ने बहुत अच्छी तरीके से भरपूर प्रयास करके वो लोगों तक पहुंचाया है, और हम ये चाहेंगे कि इस बार भी राजुद्दीन चेयरमैन को ही वोट करें, क्योंकि यह विकास कार्य के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। यही हमारा मुद्दा रहेगा और इसी मुद्दे पर हम चेयरमैन साहब को वोट देंगे। आप बताइए यहाँ पर क्या समस्या है। समस्या तो कोई भी नहीं है, समस्या चेयरमैन साहब ने सब पूरी कर दी है, सब कोई इसी इन्हीं चेयरमैन साहब को चाहते हैं, सब पूरी पब्लिक, पूरी जनता यही चाहती है कि यही चेयरमैन साहब आए, राजुद्दीन साहब सिर्फ यही आए। बिजली, पानी, सड़क की समस्या क्या क्या दिक्कत है सब दूर है। देखो जी, हमने 2 योजना से बरस रहे चेयरमैन राजू को, ये काम जो है ना नगर में अच्छा कराते हैं, इसी मारे हम तो नहीं चाहते हैं जो पुराने हमारे चेयरमैन है यही आने चाहिए। जी आप बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे। ये विकास पुरुष चेयरमैन है हमारे, बहुत माननीय है, सब हमारे सब लोग इनके साथ हैं, ऐसे लोग चेयरमैन। आप बताइए क्या यहाँ पर क्या समस्या है, आप बताइए कुछ समस्या है। समस्या हमारे आगे तो कोई आई नहीं, जब लोग यहाँ पर बिजली पानी सही सब ठीक ठाक है, ये चेयरमैन राजुद्दीन ही यहाँ के लिए बेहतर है और हम सब इनके साथ हैं। क्या सोच के वोट करेंगे अब आप? बेस्ट चेयरमैन है जी, खूब विकास कर रहे हैं, पानी के फ्रिज लगवाई है, खम्भे पे लाइट लगवाई है जी, टैल लगवाई है इन्होंने, बेस्ट चेयरमैन है जी। जी ये और हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि इनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशी चाहिए, आपके ये चेयरमैन को रिपीट करेंगे या नया चेयरमैन ही लाएंगे। जी आप बताइए किस क्या मुद्दा लेकर आप वोट करेंगे यहाँ पर। राजू चेयरमैन क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, मतलब क्या नहीं, सब चीज बिजली पानी सब ओके आया यहाँ पे। और हमारे साथ मौजूद है क्षेत्र के लोग, ये बताएंगे कि ये डॉक्टर हैं, ये बताएंगे कि यहाँ की समस्या क्या है। वंस मोर का नारा है सबका कि दोबारा से चेयरमैन साहब ही चाहिए, कोई गली कोई खड़ंजा ऐसा नहीं है, दो अगर 2 गज का भी खड़ंजा है उस गली में खड़ंजा बना, नाली पानी व्यवस्था सब सही चल रही है, किसी किस्म की कोई शिकायत चेयरमैन साहब से है नहीं, इसलिए हर आदमी का यही नारा है कि वंस मोर वंस मोर वंस मोर। देखिए ये थे यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र के लोग, हमारे साथ प्रत्याशी है राजुद्दीन एडवोकेट, जो पिछली योजना में यहाँ पे चेयरमैन थे, दोबारा रिपीट होते हैं नहीं होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम इनसे इस वक्त बात करेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे, क्या प्राथमिकता रहेगी चेयरमैन साहब। ये जिला हेडक्वार्टर है और जिला बने 1997 में बना था, ये तो 20 साल हो गए, मुद्दे बहुत हैं यहाँ। एक तो यहाँ मैरिज होम की जरूरत है, एक पार्क की जरूरत है, जिला होते हुए भी ये चीज नहीं है, बट यहाँ 3rd श्रेणी की पालिका है, जिला हेडक्वार्टर होते हुए इसका अपग्रेड नहीं हो पाया, बजट की समस्या है, कराना बहुत चाहते थे, अब के ये प्राथमिकता रहेंगी। लेकिन मैंने 1988 से लेके आज तक के जितने कार्यकाल हुए जितने चेयरमैनों के, उससे दुगना काम इस योजना में कराया, गरीब मोहल्लों की गंदगी निकाली, इंटरलॉकिंग टाइले लगवाई और नाली सड़कें बनवाई, ऑटोमाइजेशन कराया, ट्यूबवेलों पे पानी की व्यवस्था सुदृढ़ीकरण कराई, उसके अलावा सौर ऊर्जा की लाइटें लगवाई, नगर पालिका में JCB मशीन खरीदवाई, कूड़ा गाड़ी मोहल्लों में जाती है घर घर वो खरीदवाई, ट्यूबवेलों पे जनरेटर लगवाए, उसके अलावा जो है
सारे नए ट्रैक्टर ट्रोलियां खरीदवाई, कूड़ा घर बनवाए जहां गंदगी के ढेर लगे रहते थे शहर में, सफाई व्यवस्था है यहीं, बहुत निकला भी नहीं जाता था, जिन मोहल्लों में गंदगी रहती थी वहां कूड़े दान बनवा दिए ताकि गंदगी अंदर रहे। उसके अलावा शमशान घाट की समस्या थी यहाँ, वो किसी ने नहीं बनवाया था, आज तक वो मैंने बनवाया। दूसरा, कोई जगह पालिका के पास ऐसी नहीं है जिसमें मैरिज होम पार्क बनाया जा सके, वरना वो बना चुका होता। एक पक्का घाट है यहाँ, बस घूमने फिरने की जगह, मैंने उसका सौंदर्यकरण कराया, दोबारा चौड़ीकरण कराया, पेड़ पौधे लगवाए थे, पेड़ पौधे बच्चों ने फाड़ दिए, लेकिन बहुत उसमें जो है घूमने फिरने की सही व्यवस्था कराई, हट बनवाई उसमें, फारा बनवाया, वो जो है फॉल बनवाया, अभी फारा लगना बाकी रहा। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे और चेयरमैन बने, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं नहीं जी, आप जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन उस वक्त सरकार थी, लेकिन आप सौदीकरण पूरा क्यों नहीं करा पाए? हाँ, मैं थोड़े दिन को जिला अध्यक्ष रहा। दूसरी बात, बजट क्योंकि पालिका के हिसाब से मिलता है, यहाँ थर्ड श्रेणी की पालिका है, कभी यहाँ की आबादी बहुत कम थी, खेकड़ा की हमारे से ढाई गुना, मतलब आबादी ज्यादा थी उनका हमारे से ढाई गुना बजट है। आज जिला हेडक्वार्टर है, खेकड़ा से हमारी डेढ़ गुना आबादी है, हमारा बजट कम है। यहाँ 47 लाख की आज पर महीने किस्त मिलती है, 42 लाख का तनख्वाहों में और पेंशन में फंड में और उसमें चला जाता है, डीजल में 5 लाख रुपए विकास कार्यों के बचते हैं। जब तक पालिका का अपग्रेड नहीं होगा तब तक बजट गवर्नमेंट ज्यादा नहीं देंगी, क्योंकि पालिका के ग्रेड के हिसाब से बजट मिलता है। रहा मैं पहले समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ा था, मैं पहले भी निर्दलीय लड़ा और आज भी इसलिए निर्दलीय लड़ रहा, मेरे साथ सब दलों का वोट है, सब समाज का वोट है। अगर किसी के साथ 36 बिरादरी का वोट है तो मैं अकेला प्रत्याशी हूँ, आज मेरे साथ 36 बिरादरी का वोट है, इसलिए मैं निर्दलीय लड़ता हूँ, पार्टी से नहीं लड़ता, क्योंकि पार्टी के हिसाब से एक पार्टी की वोट रह जाती है, लेकिन मेरे साथ 36 बिरादरी का वोट है, मैं निर्दलीय लड़ना पसंद करता हूँ। मुंडो मोहल्ले में आज बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, किसी और क्षेत्र में जानेंगे वहाँ के लोगों का मूड कि आपके किस बार किस बात को लेकर वो किस प्रत्याशी को पसंद करेंगे। कैमरामैन सोनू चौधरी के साथ बागपत से सलमान हैदर, समाचार प्लस।